पीर को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रेंज बाउंड सेशन के बाद फ्लैट हो गई। बेंचमार्क 100 इंडेक्स में गैर तसल्ली बख्श सरगर्मी के दौरान सिर्फ 52 पॉइंट्स का इजाफा हो सका। दूसरी जानब आलमी सतह पर एक्टिविटी मंडियों में बड़े पैमाने पर मस्बत सूरत हाल रही, जबकि खाम तेल की कीमतें भी बढ़ गईं। WTI क्रूड की कीमत 2.45% इजाफे से $38 फी बैरल, जबकि ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 2.3% इजाफे से $40.38 हो गई। आज बाजार की रेंज तंग रही। पिछली तिमाही के औसत से हुजम में कमी वाकई हुई। बैंक, खाद और ऑफ बोर्ड स्क्रिप्ट्स ने मार्केट सरगर्मी में बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। HBR और MCB कीमतों में इजाफा देखा गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पीर के रोज इसमें इंट्रा डे 40,943 जबकि ऑफ डे में 40,596 पॉइंट पर रिकॉर्ड किया गया। ये 52.43 पॉइंट्स इजाफे से 40,784.04 की सतह पर बंद हुआ। दीगर इशारियों में KMI 30 इंडेक्स 192 पॉइंट्स की कमी से 64,983 पॉइंट्स पर बंद हुआ, जबकि KSI ऑयल शेयर इंडेक्स फ्लीट 3.36 पॉइंट्स के इजाफे से 28,770 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। मार्केट का मजमूई हुजम पिछले सेशन में 350.41 मिलियन शेयर से गिरकर 276.79 मिलियन शेयर रह गया। औसत ट्रेड वैल्यू में भी 17% की कमी वाके हुई, जो $72.5 मिलियन से कम होकर $59.9 मिलियन हो गई।